गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार दीपक क्लासेस में स्वागत है। आज टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। इसमें हम देखेंगे भारत में जो नगर हैं और उन नदी उनके किनारे बसे नगर, नदियों के किनारे बसे नगर। जैसे आपका देखेंगे आगरा, आगरा है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा क्या है, ये यूपी का एक शहर है जो क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा, गोवा है जो भारत का क्या है, सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में भी क्या है, ये सबसे छोटा है। और इसकी राजधानी क्या है, पणजी। दोनों है जो मांडोवी या मांडवी इसको कह सकते हैं, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर जो यूपी का एक शहर है, यहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान भी है और हरिद्वार जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, ये दोनों भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ में दलहन है आपका औषधि बीज अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। सूरत तापी नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ था, पवित्र स्थल है। श्रीरंगपट्टम ये कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। मदुरई वैगई नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन है जो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यह है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलूर यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर जो यूपी का एक शहर है, ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन VVI इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये क्वेश्चन बार बार पड़ता है। लुधियाना जो है जो क्या है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर साइकिल फैक्ट्री भी यहाँ पर है। श्रीरंगपट्टनम जो झीलम नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर अनेक झीलें हैं। अहमदाबाद जो साबरमती के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर जहाँ पर स्टील प्लांट भी है, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम लोग देखेंगे जबलपुर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, यही नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी क्या करती है, एक्चुअली ये क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या करती है, नहीं बना एक्चुअली बनाती है। तो नर्मदा जबलपुर है जो नर्मदा किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग देख लिए है ना। चलिए फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। आगरा जो यूपी का शहर है और दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये दोनों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में भी। और ये दोनों है जो मांडोवी या मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर जो यूपी का एक शहर है और हरिद्वार जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है, ये देवप्रयाग है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ में 20 अनुसंधान संस्थान भी हैं और लखनऊ में क्या है, औषधि अनुसंधान संस्थान भी है लखनऊ में। और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ को वनस्पति अनुसंधान संस्थान यहाँ पर भी है। सूरत जो तापी नदी के बसा हुआ है, यहाँ पर हीरे के कारखाने, यहाँ हीरे के कारखाने में हीरे से अनेक प्रकार के बनाई जाती हैं चीज़ें। अयोध्या जो सरयू नदी के बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टम जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरई वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में एक जगह है, हैदराबाद सिकंदराबाद, दोनों आपस में क्या है, जुड़वा नगर है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील है जो क्या करती है, अलग करती है। उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलूर यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है।
ये क्वेश्चन आपके लिए आया था, ये गोरखपुर के लिए, गोरखपुर राप्ती नदी क्या है बसा हुआ। देखिए यहाँ पर एक राप्ती है, यहाँ पर ताप्ती, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ताप्ती है जो सूरत है ना, सूरत से ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, और आपका लेकिन गोरखपुर है जो राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर। और देखेंगे गोरखपुर जो राप्ती नदी के बसा हुआ है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ, इसका सतलज का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, जो क्या है कहाँ पर तिब्बत में है स्थित है, तिब्बत में मानसरोवर झील से तीन नदियाँ उद्गम हुई है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का। श्रीरंगपटना श्रीनगर है जो झीला नदी के किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब है जो आपस में याद कर लेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, आपके लिए NTPC ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके लिए हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए, और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।